डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। महामंडलेश्वर 1008 श्री अर्जुनपुरी जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में हजारों लोगों की उपस्थिति में आकर्षक आतिशबाजी के बीच हुआ 51 फीट ऊंचे बुराई के प्रतीक रावण का दहन। जिला निर्वाचन विभाग के आदेश पर आगामी निर्वाचन को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक। आगामी चुनावों के मद्देनजर अभ्यर्थियों के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देशों की दी गयी बैठक में जानकारी। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबा की भोपाल, कटनी और जबलपुर स्टेशनों पर बम धमाके की धमकी के पश्चात गुना में भी स्टेशन पर जारी हुआ अलर्ट। पुलिस ने सख्ती से शुरू की चेकिंग। कल सिंधु नदी में डूबे युवक के शव को निकालने के लिए होमगार्ड के 11 तैराकों ने भारी मशक्कत के बाद निकाला शव। मृतक बलिया क्षेत्र का था रहने वाला। बजरंग क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की हुई मौत। पुलिस के अनुसार पानी में डूबने से युवक की हुई मौत। इकबालपुर के पास एक दुर्घटना में ट्रैक्टर से एक लड़के का कुचला सिर, हुई दर्दनाक मौत। अब कलेक्ट्रेट परिसर में भी ईवीएम मशीनों के लिए बनेगा नया भवन। लगभग 1.5 साल में बनकर हो जाएगा तैयार। पीजी कॉलेज को मिल सकेगी राहत। इंद्रगोलिया बाईपास पर छात्रावास के सामने एक ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, हुई मौत। हनुमान टेकरी से कथा सुनकर आ रहा था मृतक कमरलाल लोथा। प्रेस फोटोग्राफर अमित शर्मा के साथ हुई मारपीट के सिलसिले में आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चाकू भी किया बरामद। आरोपी को जुलूस निकालकर पेश किया न्यायालय में। नई सड़क पर एक बुजुर्ग के साथ लाठी और तलवारों से कुछ लोगों ने की मारपीट। मामला पैसे के लेन देन का। नेकी की दीवार पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नशे के विरोध में स्मैक का जलाया पुतला। लोगों से नशे से दूर रहने की गई अपील। रात को महुगुड़ा कुना के मध्य रेलवे ट्रैक पर 25 वर्षीय युवक का मिला शव। पुलिस के अनुसार ट्रेन से चोट आने की वजह से हुई है युवक की मौत। अब नेकी की दीवार पर खुलेगा नेकी का दवाखाना। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजीत जैन कल से रोजाना 8 से 9 बजे तक और एलोपैथिक चिकित्सक 9 से 10 बजे तक देंगे निशुल्क परामर्श। साथ ही दी जाएंगी निशुल्क दवाएं भी। और अब विजयदशमी का पर्व कल पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर गोपालपुरा दशहरा मैदान पर 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस रावण दहन से पहले आकर्षक आतिशबाजी का भी कार्यक्रम हुआ, जिसे भद्रवास के कलाकारों ने तैयार किया था और लगभग 8:30 तक आकर्षक आतिशबाजी और उसके पश्चात राम रावण के युद्ध के बाद रावण का दहन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थे महामंडलेश्वर 1008 श्री अर्जुनपुरी जी महाराज और उनका सार्वजनिक दशहरा पर्व समिति के सभी सदस्यों ने और गणमान्य नागरिकों ने स्वागत किया। इस मौके पर उनके मुख्य अतिथि में ही सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। नशे के खिलाफ एक अभियान चलाने की शुरुआत की है। आज बुराई पर भलाई की जीत का एक महान दिन है। इसमें के रूप में हम सब ने युवाओं ने मिलकर यहाँ रावण का दहन किया है। हमारी गुना शहर की पीढ़ी न केवल बल्कि जिले की पीढ़ी इसमें के नशे में ग्रस्त आकर अपने जीवन को अपने भविष्य को पूरी तरह खराब कर रहे हैं। उनको इस नशे से बचाने के लिए उनके भविष्य को मजबूत करने के लिए गुना में इसमें सेलिंग पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग
पर्दे के पीछे स्मैक के नशे की सेलिंग कर रहे हैं, युवा पीढ़ी की जड़ें खराब कर रहे हैं। हमारा जागरूक होने के नाते सभी युवाओं का ये संदेश है कि इस नशे के विरोध में हम एक अभियान चलाएं ताकि हमारी युवा पीढ़ी और उनका भविष्य सुदृढ़ और अच्छा हो सके। पुतला दहन कहाँ पे किया आपने? पुतला दहन हम लोगों ने नेकी की दीवार पर किया था और नेकी की दीवार के सभी सदस्य और हमारे समाज के सभी युवा जागरूक हमारे आमंत्रण पर एकत्रित हुए। गुना कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए विभिन्न आला अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस प्रकार से अभ्यर्थियों के नामांकन होंगे, उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या दस्तावेज उनके लिए आवश्यक है और उसके साथ ही मतदान के लिए और क्या क्या चीजें आवश्यक है, इन सब बातों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री चांदेल के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद। उसमें एक प्रांत गुना कलेक्टर परिसर में अब ईवीएम मशीनों के लिए भी एक ठिकाना बन रहा है। जी हां, अब तक इन मशीनों को पीजी कॉलेज की कमरों में रखा जाता था और इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी छात्र छात्राओं को होती थी और उनका आरोप ये हुआ करता था कि पीजी कॉलेज का अधिकांश जो हिस्सा है वो ईवीएम मशीन के लिए पैक हो चुका है। लेकिन इस बिल्डिंग के बन जाने की वजह से पीजी कॉलेज को राहत मिलेगी। ये बिल्डिंग सवा साल में बनकर तैयार हो जाएगी, उसके पश्चात सभी ईवीएम मशीनें यहां रखा जाएगा। नेकी की दीवार, जी हां, जहां पर नेक के काम होते हैं उसे नेकी की दीवार के रूप में नाम दिया गया है। जहां लोग आते हैं और अपने वस्त्र आवश्यक सामान गरीबों के उपयोग का जो होता है वहां रख जाते हैं और गरीब अपनी आवश्यकता के अनुसार उन चीजों को वहां से ले जाते हैं। सुबह सुबह नेकी की दीवार पर लोगों को अखबार पढ़ने भी मिलता है, बहुत सी आकर्षक और बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारियां भी इन अखबारों के माध्यम से उन्हें मिलती है। लेकिन अब नेकी की दीवार पर नेकी का दवाखाना भी खुल रहा है। जी हाँ, कल से नेकी का दवाखाना शुरू होगा और इस नेकी के दवाखाने पर सुबह 8 से 9 तक होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजित जैन अपनी सेवाएं देंगे। 9 से 10 बजे तक एलोपैथी से जुड़े हुए चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे और इस दौरान इन्हें न सिर्फ निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा बल्कि इन्हें निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शहर के लिए आज का दिन यदि खबरों के लिहाज से कहें तो हादसों से भरा रहा। बजरंगढ़ के पास एक युवक मूर्ति विसर्जन के दौरान पानी में डूब गया, जिससे पप्पू जिसका नाम था उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उसकी पानी में डूबने से मौत हुई। वहीं एक अन्य घटना जिसमें सिंध नदी में एक व्यक्ति माता को सराहने गया था, इस दौरान वह नदी के बाहर नहीं निकला था। पिछले 2 दिन से सभी लोग परेशान हो रहे थे। आखिरकार 11 होमगार्ड के तैराकों ने काफी देर मशक्कत के पश्चात आज सुबह से ये काम शुरू किया और आखिरकार नदी के अंदर गहरे तल में जाकर इस युवक का शव निकाल लिया। युवक सुरेंद्र, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र का रहने वाला था और दीपक एक्सप्रेस लिमिटेड में वह काम करता था, वह परसों ही माता के विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान मूर्ति को विसर्जित करने के लिए नदी के पानी में चला गया था और उसके पश्चात वह वापस नहीं लौटा। इंदौर ग्वालियर बाईपास पर एक दुर्घटना हुई जिसमें एक ट्रक ने साइकिल पर सवार एक 55 वर्षीय व्यक्ति को कुचल दिया। बताया जाता है कि कमरलाल लोधा नामक यह व्यक्ति हनुमान टेकरी से कथा श्रवण करने के पश्चात घर लौट रहा था और इस दौरान यह हादसा हुआ। लगभग आधे घंटे के पश्चात परिजनों को उसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर दिया। कहां रहते हैं? बाईपास पे। बाईपास। क्या हुआ ये घटना बताएं? एक्सीडेंट हो गया, टेकरी जा रहे थे, हनुमान टेकरी कोई कथा थी। अच्छा, क्या उम्र थी? 55। काय से जा रहे थे? साइकिल से। साइकिल से। तो फिर क्या हुआ? अब ये तो पता नहीं साहब को, वो तो देखने वाले ने देखा अपन के लिए। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक था। तो खत्म हो गए? क्या नाम है? खत्म हुआ, 1 घंटा पहले खत्म हुआ था। क्या नाम है इनका? कमललाल लोधा। ठीक है। इकबालपुरा के पास सोयाबीन लेकर आ रहे 3 ट्रैक्टरों की चपेट में एक युवक आ गया। बताया जाता है ये युवक जब निकल रहा था तो अचानक एक ट्रैक्टर से वह हल्का सा घिसक गया और तेज गति पर होने के कारण वह घूरे पर चढ़ गया, लेकिन घूरे से अचानक वह फिर फिसल गया और इस दौरान दूसरे जो पीछे से एक ट्रैक्टर आ रहा था उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसका सिर कुचल गया। इसमें उस युवक की दर्दनाक रूप से मौत हो गई। हमने युवक के पिता से बातचीत की और उन्होंने बताया कि पूरी घटना क्या थी। नेपालपुर में हुआ, बिल्कुल रोड सही हो। कैसे हुआ है?
लड़का इधर से जा रहा था, उधर से तीन ट्रैक्टर आ रहे थे सोयाबीन के भरे मंडी के लिए। फिर तो अगले वाले ट्रैक्टर से थोड़ा ये टच हो गया उसका, सांप फिर भी सामने वाले साइड ले जा रहा, उसने गाड़ी उठा घूरे पर चढ़ा दी, घूरे पर चढ़ गया नहीं गाड़ी पीछे चल गई, फिर वो पीछे वाले ने चढ़ा दिया पहिया, गिर गया नीचे तो माथे में पहिया चढ़ा दिया। क्या नाम था भैया? हरी हो। ट्रैक्टर वाला पकड़ा होगा? हो गया थाने में। कहाँ के रहने वाले हो? नानीपुरा। नानीपुरा। पिताजी का नाम क्या है? अमीर सिंह। कल रात को एक और दुर्घटना में मऊगढ़ा और गुना रेलवे ट्रैक के बीच में एक युवक का शव बरामद हुआ। 25 वर्षीय इस युवक का शव की जानकारी जैसे ही पुलिस लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, उसने पहले इसे अज्ञात माना, लेकिन उसके पश्चात उसके हाथ पर नाम के बाद पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंच चुकी। हरवीर नाम का यह युवक अपने घर से पिता से लड़ाई के बाद निकला था और उसके पश्चात ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, ऐसा पुलिस का कहना है। हां बताएं क्या क्या मामला है? रात को जीआरपी वालों ने सूचना दी कि एक व्यक्ति मऊगढ़ा और गुना के मध्य रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से आई चोटों के कारण मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला है। सूचना की तस्दीक पर मैं जेंट मोबाइल व फोर्स के पहुँचे, वहाँ पर एक व्यक्ति को देखा तो मृत अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। क्या कंडीशन लग रही थी? कंडीशन तो अभी तक तो ये लगा कि ट्रेन से चोट आने के कारण प्रतीत होती है उसकी, और अब आगे की जांच में आने पर सत्यता का पता चलेगा। किस जगह पे हुआ ये? किस जगह पे? जी मऊगढ़ा और गुना के बीच ट्रैक पर। क्या नाम था भैया का? पहले तो अज्ञात था, फिर बाद में उसका कलाई पर हाथ में नाम लिखा था हरवीर, तो हरवीर की हमने तस्दीक की, तो मोहल्ले वालों से लगाड़ा कॉलोनी कुसमोदा जगह जगह पूछताछ की, तो फिर एक व्यक्ति ने बताया कि एक हरवीर व्यक्ति नाम का सोनू का भाई है, उसके घर गए तो उनने बताया कि हाँ रात को उसके पिताजी और उसमें विवाद हुआ था और नशा कर रहा था, उसमें चला गया। फिर वो क्या उम्र होगी? इसकी उम्र होगी करीब 25 के करीब। कुछ दिन पहले प्रेस फोटोग्राफर अमित शर्मा और उनकी पत्नी के साथ रात को जब वे इंदौर से लौट रहे थे, इस दौरान जसन चरा के पास कुछ लोगों ने मारपीट की थी और लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस तारतम्य में एक अपराधी को पकड़ लिया था। आज पुलिस ने एक और अपराधी को उस समय पकड़ लिया जबकि अपराधियों का धरपकड़ अभियान चल रहा था, और इस दौरान इस अपराधी को पकड़कर पुलिस ने इसका जुलूस निकाला और जुलूस के रूप में उसे न्यायालय में पेश किया। बताएं ये मामला क्या था? वो अभी आते हैं। ये 20 तारीख घटना है, जो रात में 2-3 बजे के टाइम जो पत्रकार के साथ वो जो लूट डकैती करी थी, उसमें मुख्य आरोपी था विशाल रंजन सिंह। ये कल आज दिनांक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति छात्रावास पर था, छात्रावास के सामने थे विशाल रंजन सिंह नाम का, वहाँ से बाहर जाने की फिराक में है। तो मैं एसपी साहब के निर्देशानुसार चलाया जा रहा अभियान के अनुसार आरोपियों की धरपकड़ में अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक महोदय की मार्गदर्शन में और टी साहब की मार्गदर्शन में निर्देशानुसार हमको सूचना मिली, तो वहाँ पर पहुँचे तो उसको हमने पकड़ा, साथ में उसके वो उस घटना में उसका चाकू भी जब्त कर लिया, बाद में मामले में दिया उसने, उसमें उसको सोनी जब्त कर दी, बाद उसको हमने आज कोर्ट ले गए, कोर्ट से उसको जेल वारंट बना। सर और नई सड़क पर एक बुजुर्ग के साथ कुछ लोगों ने लाठी और तलवार के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। मामला बताया जाता है कि पैसे को लेन देन को लेकर था और इस दौरान वह व्यक्ति अपने बेटे के पक्ष में लोगों को समझाने के लिए गया था, लेकिन इस दौरान कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया। फरियादी ने उनके नाम भी बताए हैं और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। फरियादी का जिला चिकित्सालय में इलाज भी चल रहा है। कहाँ रहते हो आप? हाजी मुर्गा बोल रहा था। क्या हुआ था भाई साहब? आपको कुछ नहीं हुआ था, मेरा बच्चा काम करता था नैना कलेक्शन पे, उसने हाँ हाँ दादा क्या हुआ था? नैना कलेक्शन में काम करता था लड़का मेरा, तो उसने मेरे बिना पूछे पैसे सामान ले लिया, क्या गया भगवान जाना झूठे में हिसाब करके 50,000-52,000 रुपये उसने कर ले लिया, और बच्चों को मारता था बहुत ज़ोर से, ढोल दबा दे गए, मेरा चेक ले गया, वो चेक मंगवा लिया उसने। नैना ऑप्टिकल्स वाला है? नैना ऑप्टिकल्स वाला। हाँ हाँ। अभी क्या हुआ था? अभी कुछ नहीं हुआ, मैं उसे समझाने गया था, परसों क्या हुआ
परसों से बच्चों को दूर से काम कर रहा था, वहाँ से घर से लेके आया हूँ। उस आंटी की दुकान पे काम कर रहा था। अभी आप दुकान पे गए थे तो क्या करा? कुछ नहीं, मैंने उससे कहा कि तुम बच्चों मारा कैसे, तेरे पैसे जब हम दे रहे हैं पूरे, बच्चों मारा कैसे? मैं इतने में आ गए, चार 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 पाँच जन चले गए। आपको चार पांच लोगों ने मिलकर मारा? हाँ। से मारा? लड़े थे, तलवार रहती। कौन थे, नाम पता आपको? परवेश नाम, परवेश का बाप और दो भाई और एक जना और था उसके नाम। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने भोपाल, जबलपुर और कटनी सहित कुछ स्टेशनों पर बम धमाके की धमकी दी है। आगामी त्योहार के मद्देनजर दी गई इस धमकी को देखते हुए पुलिस ने अपने सभी जगह सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता कर दिया है। जीआरपी, आरपीएफ सहित सक्रिय पुलिस बल सभी जगह तैनात हो गया है और इस दौरान गुना में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुना रेलवे स्टेशन पर पुलिस अब सख्ती से आने जाने वालों को देख रही है और सामान की तलाशी भी दे रही है। तो कहना चाहेंगे कि हमने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक प्रतियोगिता की शुरुआत की है जो जिला निर्वाचन आयोग के जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसमें सर्वश्रेष्ठ 2 मिनट 15 सेकंड की वीडियो भेजने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा और सोनाली चैनल्स की तरफ से उसे 5100 रुपए का प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपए का और 1100 रुपए का तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। हम चाहेंगे कि मतदाता जागरूकता से जुड़े हुए अभियान को लेकर आप अपनी 2 मिनट 15 सेकंड की वीडियो को हमें भेजें और न सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करें बल्कि जिला प्रशासन से, गुना कलेक्ट्रेट से आपको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त। तो दर्शकों, आज की हलचलों में आप बस इतना ही, कल फिर नई हलचलों के साथ हम होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र बज को दीजिए अलविदा। कल फिर नई हलचलों के साथ होंगे हम आपके और आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे कार्यक्रम बिजनेस बस की दुनिया में। हमारे कंप्यूटर एडिटर कैलाश कुशवाहा, कैमरामैन हरीश पवन और विनोद।